योड़े से मकल में सारी जंगल चटित। तो वो अब घूम गया है क्योंकि यहाँ पे ये इतना बड़ा जंगल है। अब्दुल रशीद, अब्दुल मजीद, चलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी हम जा रहे हैं तोस मैदान और मेरे साथ है सोलो रेज, जिसको आपने बहुत टाइम देखा होगा लद्दाख की सीरीज में ये था। और अभी हम खाने जा रहे हैं वलवल। अब मैं तोस मैदान अभी नहीं गया हूँ कभी, लेट्स सी कि कैसा रहेगा। आप बने रहिए व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, लेट्स गो। तो जो ये वलवल वाला भाई साहब था, ये छोटा था, इसने मतलब अच्छा है बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ तो कर रहा है, अपने हाथ से कमा रहा है, सो इट्स बेटर। अब अगर हम मतलब हमारी सोच ऐसी है कि अगर हम ये करेंगे लोग क्या बने वो ये, बट यू नो इट्स लाइक लेट्स स्टार्ट इट। इसको तो भाई परमपुरा, मैंने पहली बार सुना है परमपुरा। अच्छा ژٕ وَن تہٕ مےٚ وۄنۍ تٲس مٲدانَس متعلق، یہِ ژےٚ ووٚنُتھ تھوڑا کینٛہہ اِنفارمیشَن۔ تٲس مٲدان اِز کالڈ کِنٛگ آف میٖڈوز، کِنٛگ آف میٖڈوز، اوکے۔ پہلے یہِ آرمی کے انڈر تھا، اب ریٖسنٹلی اِس کو اوپن کیا گیا۔ پہلے بندے جاتے تھے وہاں پہ، تَتہِ ٲس پھٹان، سُہ لینٛڈ ماینز ہوتی تھی نا، ہاں ہاں ہاں، وہ ہوتا تھا۔ اب خدا کے فضل سے سب صحیح ہے، ہم جاتے تھے وہاں پہ، اب وہاں پہ گیٹ بھی لگ چکا ہے، اندر بائکس یا وہیکلز الاؤڈ نہیں ہے، بٹ اٹس اسٹل این امیزنگ پلیس۔ हम जब जा रहे थे तो गर्मी बहुत ही, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड चेंजिंग और व्यू भी अब बढ़िया दिख रही है। तो रोटी वोटी हमने यहाँ पे ही लाई क्योंकि 2 किलोमीटर दिख रहा था यहाँ से दोस्त मैदान, फिर आगे शॉप नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी लेना है तो यहाँ पे मार्केट लास्ट में आता है, यू कैन जस्ट गेट इट। ये मार्केट का थोड़ा व्यू, एंट्री हमने की है तो उस मैदान में, और अब मैं आपको थोड़ा शॉट्स दिखा दो। दिस इज माय सिनेमैटिक शॉट। यहाँ से देखिए आप रोड कितना खतरनाक है और ये 10 किलोमीटर कंटिन्यू ऐसा है। पका सा कैसी ड्राइवरी लास्ट ना बनी चाहिए थी। मैं गए हुए 10 वरी वाला। यहाँ पे देखिए आप रोड कितना खतरनाक है। अगर से पोइट की वो बात हो चल डा, लेट्स गो मैन। ये मैं रख बगू भाई साहब, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव बीन सो फार। और जब हम नीचे थे तो सर्दी थी, लेकिन अब हम पहाड़ के ऊपर आने वाले हैं और सर्दी बढ़ गई है। अब मुझे लगता है मुझे ऊपर से कुछ और पहनना पड़ेगा। और हम कर रहे हैं आज कैंपिंग वहाँ पे, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई होगा, इट विल बी ओनली रिज एंड मी, सो लेट्स सी। एंड यहाँ से आप देखिए डीप फॉरेस्ट, मुझे वो लद्दाख की फीलिंग आ रही है जब पहाड़ों को चढ़ते थे ना ऐसी पर। बट हम यहाँ साइकिल पे आ रहे हैं इंशाल्लाह। आज हम रोड देखने आए थे कैसा है गाड़ी में, क्योंकि मैं यहाँ पे आया नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो यहाँ साइकिलिंग करेंगे, दिस वुड बी द लाइक बेस्ट एडवेंचर। हाँ चढ़ जाती है। तो जो ये लोग बंदे दो थे उनके पास वैगनार थी, वो चल नहीं पाए, बट रिजो भाई बहुत तेज चला रहा है अपनी, कौन सी गाड़ी है हमारे पास, लॉर्ड केटेज फरारी भाई। लेकिन रोड यहाँ से बहुत खराब, जितना हम आगे जा रहे हैं उतना रोड खराब होता जा रहा है। अब वहाँ पे थोड़ा डैश उन्होंने डाला था सड़क पे, बट यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड, हम पहुंच गए हैं, लेकिन गाड़ी हम इसके अंदर नहीं ले जा सकते। रुका से और यहाँ से जो रोड है ना, दिस इज द बेस्ट एंड वर्स्ट रोड।
योर मकल सारी जंगल चटित वाला ये कर ये क्या अत क्या मैंने बचाओ गो निकले योर वाला चुना यह मुश्किल गाँव जंगल वन रूम मगर गो खबर कत पे गई स्टार्ट कंटिन्यू सोरे बाड बाल खाली इनशाला इनशाला बाकी योर मजे बहन तुम ये रोजान मगर शीन पत योर जबरदस्त वाला तुम पत् कत ये तुम ये रोजान मकान बनाए पुलव पे रात बिहन रात हेको ना बिहत अव सोरे सामान वामान वन बिहो इनशा हापत वापत मैं ठीक अहन नजदीक ना टावर लगाया गया है बट यहाँ पे अभी नेटवर्क नहीं है ऑन नहीं है। हाँ तो अभी हम आगे जाएंगे देखेंगे कि कैसा है फिर हम वापस आएंगे सामान लेंगे और कैंपिंग करेंगे। अब हमने जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको बोला था कि बालू वालों का कुछ खतरा है, उन्हें कहा हाँ हो सकता है वहाँ पे कोई कैंप है आप उनके साथ ही दे सकते हो। लेट्स सी। लेकिन भाई ये इसको बोलते हैं किंग ऑफ मीडोज कितना वास्ट है और क्या भाई साहब ये किस रेस्टोरेंट है क्या? अच्छा ये ट्रैकिंग पे तो यहाँ पे बहुत मतलब ज़्यादा टेंट नहीं है, दो ही टेंट दिखे हैं बट हाँ हम वहाँ उस साइड कर सकते हैं ना कैंपिंग। यहाँ पे पहले रेस्टोरेंट होते थे बट सीज़न अभी क्लोज है तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हमने थोड़ा चिकन विकन लाया है वही खाएँगे। पाकिस्तान किस साइड है? अच्छा इस साइड ही है। हाँ हाँ उसके बाद फिर पाकिस्तान। अच्छा उसके बाद सो पुंछ भी यहाँ से जा सकते हैं। पुनिश रिया से जिसको बोलते हैं वो किस साइड है मुझे नहीं उसके बारे में। हाँ तो जो ये आपका नाम क्या है? अर्शिद अहमद। अर्शिद अहमद कैंपिंग करवाते हैं आप कुछ अपने बारे में बताओ आप कैंपिंग के बारे में। ट्रैकिंग करवाते हैं। हाँ अभी इन्होंने फॉरेनर लाए हैं तो ये ट्रैक अगर आप तो अभी हम फॉरेनर लाए हैं हम लोकल भी करवा सकते हैं फॉरेनर भी करवा सकते हैं इंडियन टूरिस्ट भी करवा सकते हैं कोई भी आ सकता है। अरे आपको बाइक का जो कार्ड है अगर आपको कश्मीर कभी भी आ रहे हो ट्रैकिंग पे आ रहे हो तो यू कैन जस्ट कॉल हिम एंड ही विल गाइड यू आउट। आप कश्मीर में कहीं भी ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपका कोई पर्टिकुलर पार्ट है? जी हमारा पास स्ट्रीमलाइन एडवेंचर। स्ट्रीमलाइन एडवेंचर मैं आपको दिखाऊं स्ट्रीमलाइन एडवेंचर स्टिक तो इस पे फोन नंबर लगा है सब कुछ लगा है तो अगर आपको अगर आप यहाँ आना चाहते हो आप कश्मीर से भी हो और आप ट्रैक करना चाहते हो तो यू कैन डू इट। तो हम यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। अब जो नेटवर्क एरिया है वो यहाँ तक ही है तो हम नेटवर्क से बाहर ही रहते हैं आज। टेंट जो है वो ख़त्म किया और अब हम लगा रहे कंबल। लेकिन हमारे पास लाइट नहीं है यार। मेरे हेडलाइट भी बोल गए हम रिजो भाई भी बोल गया इसकी लाइट नाउ। अब देखते अब वो भाई है यहाँ यहाँ पे अगर उनके पास लाइट होगी तो उनसे मांगेंगे। और यहाँ पे सर्दी भाई मैं मर दूर कंट के जब और हम कर रहे हैं अपने नीचे से ये पहना है फिर ये अब हम पहनेंगे ये क्योंकि यहाँ पे बाईसी जी सर्दी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से पहनेंगे हम ये तो अभी हम चिकन धोने जा रहे हैं। अब हमें जाना था नीचे लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे। अब यहाँ से थोड़ी सी अच्छी नाली बह रही है उसी में यहाँ पे हम धो रहे हैं चिकन। ये बॉईल करेंगे फिर उसके बाद इसको तलेंगे। यहाँ पे भाई साहब सर्दी है लेकिन तारे जो दिख रहे हैं ना वन ऑफ द बेस्ट थिंग जब आप ट्रैवल पे जाते हो और फिर आप तारे देखते हो फिर आप लाइफ के बारे में सोचते हो फिर आप अपने बारे में सोचते हो इट्स लाइक यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग रॉन्ग दैट इज गोइंग दैट आर गोइंग लाइक राइट। और जब फिर कोई बंदा होता है जैसे मेरे पास अभी मेरे साथ है रिजवान
और देन वी टॉक अबाउट लाइफ एंड ऑल, इट्स सो अमेजिंग। अभी बजे है 10। यहाँ पे कोई ग्रुप ट्रैकिंग पे करता था तो उनका एक बंदा था वो पानी पीने गया था, तो वो अब घूम गया है क्योंकि यहाँ पे ये इतना बड़ा जंगल है, उसको बंदे ढूंढने लगे। वो 5-6 ग्रुप थे यहाँ कश्मीर से ही, लेकिन वो अभी नहीं मिल रहा है। अब जो मेरा दोस्त है वो अब सब जो जितने भी यहाँ पे थे, यहाँ पे बहुत कम बंदे, अब आधे उधर गए आधे इधर गए। मैं टेंटों में हूँ अभी, तो मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अब मैं थोड़ा खाना खाऊंगा, ऊपर से मेरे कमर में बैक इंजरी हुई थी थोड़ी सी, और मुझे उसमें दर्द स्टार्ट हो रहा है। अभी नहीं पता क्योंकि वो इतना दूर गया है मेरा दोस्त, उसको 2-3 घंटे लगेगी वापस आने में। होप कि वो मिल जाए इंशाल्लाह, हमारी यही दुआ है, क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम मैं भी हो सकता हूँ या कोई और भी हो सकता है। यहाँ पे अकेले हूँ अभी, मैं टेंट में अंदर आया, अब खाना खाऊँगा, मैं सो जाऊँ, सोने की कोशिश करूँगा। मे बी होप कि वो आ जाए, उसको ढूंढ ले, लेट्स सी। चलो शुक्र वो बंदा मिल गया जो गुम गया था, वो मिल गया है। वही था जो वो लाइट थी, वही था, वही था। वहीं पर तो फाइनली हम अभी सोने जा रहे हैं, आपसे मिलेंगे हम कल सुबह अभी बजे 11। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। ओके तो क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ की खूबसूरती के बारे में? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम उठे लेकिन 8:30 क्योंकि मुझे बहुत नींद आ गई यहाँ पे और तुम्हें नहीं आई। प्लान है हाइक करने का आज? हाँ जाएंगे, मुझे लगता है 4 घंटे देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। यार यहाँ से तो अब पता ही दिखता है, अब हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि वो वाले पहाड़ तो हम उन पहाड़ों के उस पार हम जा सकते हैं। वहाँ से कुछ नहीं है, वहाँ से ही हम आए ना गाड़ी में, यहाँ से सर्वर सारे यहाँ से। सर तो है, देख हम सर तक पहुँच नहीं सकते। ठीक है, टाइम हुआ है 9 और मैं जा रहा हूँ मुंह धोने। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वो वॉशरूम थोड़ा सा लगा है वहाँ पे, और वो गंदा है बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब मैं जाऊँगा, हमने कल जब पानी लिया था ना, क्योंकि यहाँ पे आसपास पानी नहीं है, अब यहाँ पे पाइप लगा दी गई है तो पाइप से पानी वहाँ पे आता है। और कल रात हमने देखा नहीं था, हमने वहीं से पानी लाया था बट थोड़ा आगे लाया था। मैं आपको वो दिखाता हूँ किधर पे है, और मैं मुंह धोता हूँ, सर धोता हूँ, मेरे पास शैम्पू है, लेट्स गो। लेकिन ये भाई साहब ठंडा इतना है ना, इतना ठंडा है, आई डोंट थिंक हो पाएगा। ये देखो यहाँ पे है पानी पहाड़ियों के बीच में, जब यहाँ पहले एक कौवा आया था उसने देखा यहाँ पे बहुत सारा है तो उसने बाकियों को बुलाया। अगर इंसान देखेगा बहुत कुछ है खाने के लिए, वो किसी को नहीं बुलाएगा। मगर काव और मस्जिद सेम फितर का, इनमें भी पहले हमने इनको थोड़ा चिकन डाला, उस टाइम क्या था, उस टाइम 2 कौवे थे और उन्होंने वो चूं चूं नहीं कर रहे थे, बट अभी हम रोटी डाल रहे, अब ये बोल रहे भाई खाएंगे सब। फाइनली वी डन विद कैंपिंग, सामान हमने गोल किया है, नाउ वी आर गोइंग डाउन। और वहाँ से देखेंगे बहुत से स्पॉट्स हैं जहाँ जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ फोटोज वोटोज लेंगे, देन वी आर हेडिंग बैक होम। हाँ आज के लिए ट्रैकिंग नहीं, बिकॉज ऑफिस फॉर रिजवान भाई, इसका शिफ्ट है यहाँ से जाके, सो वी नीड टू जस्ट रोल इट आउट एंड गो। बस भी चाहिए रात क्या, बस कैसा लगा
इसको नींद नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसी नींद आई ना जितनी घर पे नहीं आती। तुम्हें नींद नींद क्यों नहीं आई? ऐसे ही थका नहीं था ज्यादा। ये तो कुछ मैच ना हो रही है भाऊ। तमाम टेंट वालों से गुजारिश है कि मैदान में कूड़ा करकट ना डाले। ओके। वो टेंट के इर्द गिर्द जमीन ना खोदे। जो भी मुलविस पाया जाएगा वो जुर्माने का मुस्तहिक होगा। तो यही है भाई, अगर गान पाओगे तो जुर्माना होगा। सो दिस इज सोलो रिजु, इंस्टाग्राम फोन नंबर भी है, इसको कॉल कर लेना। मैंने कल लगाई है रील अपलोड पे इंस्टाग्राम पे और वो हुई है 35% 12 घंटों में। ये तो कुछ मैच ना हो रही है नेटवर्क। यहाँ से रास्ता एक ही है, जब वहाँ से गाड़ी आती है सो आपको रुकना पड़ेगा, जब वो जाएगी देन यू विल गो। Of trees and all. So, यहाँ से स्टार्ट होता है वेलकम टू तोस मैदान। यहाँ से फिर आपको अच्छा रोड मिलेगा। लगभग कितने किलोमीटर होगा ये डस्ट वाला रोड? 20+ जो फिर वो खराब रोड है वो कितने कितना है? अच्छा, पूरा मैं बोल रहा हूँ 20+। 20+ है पूरा, बट जो ये साफ है ये कब तक है? ओके। और फिर ऊपर से खराब ही है। हाँ लेकिन जा सकते हो, इट्स ओके। Assalamualaikum. Dehas makai vata. Ye koi tish makai vata. Tro rego. Chalan che car theek hai. Kim chota gari makai vich kim vatar ode ode. Gher che ya? Dil sal. Tro re bish asa. Man kastul bajdi pan me mash pai. Isha asal. Che. Je tro re bi bogu. Tro re bi. यहां नश गु तशम शरीफ अब्दुलरशीद अब्दुल मजीद। चलो हो गया पंचर, शायद पंचर हो गया।